चाहे आपने बनाना हो कोई भी तड़का पुलाव या आपने बनानी हो कोई भी चटपटी चटनी या अचार, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा बनाना एकदम आसान जब आप मिलकर बनाएंगे हमारे साथ। तो फिर चलिए हमारे किचन में हमारे साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है और इस टाइम मन करता है कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए। आज हम आपके लिए ऐसे तीन तरह के फ्लेवर्स की ड्रिंक्स शेयर कर रहे हैं जो आप बनाएंगे आपको इतनी पसंद आएगी आप इनके फैन हो जाएंगे। एक है मैंगो जलजीरा, क्लासिक जलजीरा और चीकू फ्लेवर का जलजीरा। अब आप सोच रहे होंगे फ्रूट्स के भी जलजीरा बनते हैं? जी हाँ, हमने आपके लिए बनाए हैं, आप इनको ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जलजीरे का मसाला बनाते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून जो नॉर्मल वाइट सॉल्ट होता है वो इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून चीनी का भूरा डाल देते हैं जो पाउडर्ड शुगर होती है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया और जलजीरे का मसाला बनकर एकदम तैयार हो गया। तो चलिए आगे पहले मैंगो का जलजीरा बनाते हैं। अब आगे आप देखिए, मैंगो का जलजीरा बनाने के लिए आप कोई भी मिक्सी का ऐसे ब्लेंडर जार ले लें या चॉपर ले लें, मेन सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इसमें सारी चीज़ें डालते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या इसमें जाएगा। 1/2 कप के करीब हमने मैंगो लिया, कोई भी मीठा पका हुआ आम आप ले लें, ऐसे हमने कट कर लिया, रफली आप चॉप कर लें। ये जो हम बना रहे हैं सिंगल सर्विंग बना रहे हैं और 10 से 12 इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देते हैं, 1 टेबलस्पून जलजीरा मसाला डालेंगे जो हमने अभी आपको बताया था वो डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड कर देते हैं और साथ ही पानी ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, अब इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे से ब्लेंड कर ली है और मैंगो जलजीरा बनके तैयार हो गया। चलिए इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमने ग्लास में पहले आइस क्यूब्स डालनी है क्योंकि हमने इसको एकदम चिल्ड सर्व करना है, इसका मज़ा तो ठंडा ठंडा ही आता है। तो चलिए आइस क्यूब्स डालते हैं ग्लास में पहले और अब जो हमने ब्लेंड किया था उसको पोर कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो लीजिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग मैंगो जलजीरा बनके तैयार हो गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं जो क्लासिक जलजीरा है। चलिए अब आगे क्लासिक जलजीरा जो सबका ही फेवरेट होता है उसके लिए आप देखिए क्या क्या चाहिए होता है। 30 के करीब हमें पुदीने के पत्ते चाहिए, अच्छे से आप वॉश कर लें पत्तों को और 1 मुट्ठी भर आपने हरा धनिया लेना है, अच्छे से आप इसको भी धोएं। वन टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे और जो हमने जलजीरा मसाला बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। वन फोर टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा और पानी ऐड कर देंगे इसमें। ये भी हम सिंगल सर्विंग बना रहे हैं। चलिए सारी चीज़ों को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और फिर इसको भी सर्व करते हैं। चलिए अब क्लासिक जलजीरा भी सर्व करते हैं, आइस क्यूब्स डाल देंगे और जो सारी चीज़ें हमने अच्छे से ब्लेंड करी थी वो डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और इसके ऊपर थोड़ी सी ना बूंदी डाल देते हैं, जो रायते वाली बूंदी होती है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। तो लीजिए क्लासिक जलजीरा भी तैयार हो गया। अब आगे बनाते हैं चीकू जलजीरा। चीकू जलजीरा के लिए 2 चीकू हमने लिए हैं, अच्छे मीठे पके हुए आप चीकू ले लें, इनको हमने क्यूब्स में ऐसे कट कर लिया और इसका हमने छिलका उतार लिया था, ये हमने डाल दिया। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा डाल देते हैं और 10-15 पुदीने की पत्तियां डाल देते हैं
वन टेबल स्पून लेमन जूस, वन टेबल स्पून जलजीरा मसाला, और इसमें भी पानी ऐड कर देते हैं। फ्रूट्स के जलजीरे तो आपने कभी नहीं ट्राई करे होंगे, आप ऐसे बनाएंगे आपको इतने पसंद आएंगे। चलिए ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और फिर इसको भी सर्व करते हैं। चीकू जलजीरा भी बनके तैयार है, चलिए इसे भी सर्व करते हैं। आइस क्यूब्स डाल देते हैं और जो मिक्सचर ब्लेंड किया था वो डाल देते हैं इसमें। तो लीजिए, तीनों तरह के जलजीरा बनकर एकदम तैयार हो गए हैं, मैंगो जलजीरा, चीकू जलजीरा और क्लासिक जलजीरा। आपने फ्रूट्स के जलजीरे तो कभी नहीं ऐसे ट्राई करे होंगे, इनको आप जरूर बना के ट्राई करें, आपको ये दोनों बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए फिर आप इनको ट्राई करें, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।